नमस्कार, पूरे परीक्षा देने वाले समस्त छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से आपका कक्षा 10वीं 12वीं का पूरक परीक्षा का परिवेश पत्र घोषित कर दिया गया है। तो जल्दी से आप अपना परिवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा। किस प्रकार से आपको अपना परिवेश पत्र निकालना है, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों आपको अपना परिवेश पत्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना होगा MPBSC MP ऑनलाइन, ये आपको टाइप करना है, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा हमारी MPBSC MP ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। आपको सिंपल सा इस पे क्लिक कर देना है। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारा इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा। पेज खुलने के बाद अब आपको अपना परिवेश पत्र किस प्रकार से डाउनलोड करना है। परिवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको बीच वाले कॉलम पर क्लिक करना होगा। तो सिंपल सा हमने इस पे क्लिक कर दिया है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारा इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा। पेज खुलने के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा प्रिंट सप्लीमेंट्री एडमिट कार्ड 2024, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। सिंपल सा हमने इस पे क्लिक कर दिया है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वापस से हमारा इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा। पेज खुलने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेन एग्जाम का रोल नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे कि हम अपना मेन एग्जाम का रोल नंबर यहाँ पर टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड फिल करना है। तो हमने यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर। तो हमने सिंपल से इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा हमारा पूरक परीक्षा का परिवेश पत्र, ठीक है। अब आपको इसको किस प्रकार से डाउनलोड करना है, किस प्रकार से प्रिंट करना है, तो उसे करने के लिए आपको सिंपल से नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने दिखाई दे रहा है प्रिंट, तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है ताकि आपका जो परिवेश पत्र है वो PDF फाइल में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने परीक्षा का सेंटर देख लीजिएगा अपने परिवेश पत्र में। तो इस प्रकार से कक्षा 10वीं 12वीं वाले छात्र अपना पूरक परीक्षा का प्रवेश पत्र यहाँ से निकाल सकते हैं अपने रोल नंबर के माध्यम से। आपको अपना परिवेश पत्र डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके अपना कक्षा 10वीं 12वीं का पूरक परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना है, निकाल लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।